गोदरा कांड इसे गोदरा कांड के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है अगर मैं हिंदुस्तान के इतिहास की बात करूं आज़ादी के बाद तो जो चार पांच दंगे इस देश में हुए हैं उनमें शायद गोदरा और उसके बाद जो कुछ गुजरात में हुआ 2002 में वो हम सब जानते हैं चौरासी का दंगा फिर भागलपुर का दंगा 89 का 92 एक तरह से कहें तो ये इतिहास का बड़ा बदनुमा दाग है आ, हमारे देश के ऊपर मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी गुजरात दंगे से ही जुड़ा हुआ था कि जितने भी लोग इसमें मारे गए और जो उस वक्त बच्चे थे वो बच गए और उन्होंने अपनी आंखों से अपने घर वालों को मरते हुए देखा इज्जत लुटते हुए देखा तो उनके दिमाग से वो चीजें बड़े होने के बाद भी गई नहीं और ऐसे लोग आगे चलकर ज्यादा कट्टर होते हैं और उनके अंदर नफरत बहुत ज्यादा पनपने लगती है और एक तरह से वो मुख्य धारा से कट जाते हैं तो किसी भी दंगे का असर सिर्फ उस वक्त तक ही उतने दिन नहीं होता जब ये दंगा जारी होता है बल्कि इसका एक लंबे वक्त का असर रहता है उन लोगों के दिमाग में जहन में जो इसको झेले हुए हैं जिन्होंने इसको देखा है जिन्होंने इसको सहा है तो ये इसका ज्यादा नुकसान होता है आज की कहानी गोधरा कांड के ऊपर और चूंकि सेंसिटिव इशू है तो मैंने कोशिश की है कि इसमें जितने फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रख सकूं। 2002 का मामला है बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर ले जो विवाद था वो ऑलरेडी चल रहा था करीब आठ नौ साल गुजर चुके थे लेकिन अयोध्या में आंदोलन छिटपुट तरीके से जारी था और उसी दौरान फरवरी 2002 में अयोध्या में ऐसे ही एक आंदोलन था राम जन्मभूमि पर राम मंदिर को लेकर और उसमें बहुत सारे कार सेवक वहाँ पहुंचे थे अलग अलग जगहों से और इस आंदोलन को जो बुलाया था वो वी एच पी यानी विश्व हिंदू परिषद ने और वहाँ पर अयोध्या में इकट्ठा होने के लिए जैसे 92 में हुआ था उसके बाद फिर धीरे धीरे ये चल रहा था ये आंदोलन ने दम नहीं तोड़ा था और उस वक्त भी ये कोशिश यही थी तो बहुत सारे देश भर से कार सेवक को वी ने वहाँ पे इकट्ठा होने के लिए कहा था तो बाकी राज्यों की तरह गुजरात से भी बहुत सारे कार सेवक का अयोध्या पहुंचे अयोध्या पहुंचने के बाद वहां पे इन लोगों ने हिस्सा लिया और फिर वहां रुकने के बाद 26 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस अयोध्या से चलकर अहमदाबाद तक की ट्रेन आती है तो साबरमती एक्सप्रेस में अयोध्या से गुजरात के करीब 2100-2200 कार सेवक वो उसमें सवार होते हैं वापस अपने अपने घरों को जाने के लिए 26 फरवरी को अयोध्या से ये ट्रेन चलती है साबरमती एक्सप्रेस और इसको 27 फरवरी की सुबह ही करीब तीन बजे इसका टाइम है आ, गोधरा पहुंचने का गोधरा की कुल आबादी मतलब अब तो करीब डेढ़ लाख से ऊपर हो गए उस वक्त सवा लाख के आसपास थी जब ये इंसिडेंट हुआ और गोधरा की एक चीज ये है कि इसका नाम गोधरा क्यों है ये भी एक कहानी है आ, गो से ये गोधरा बना गो मतलब काऊ गाय के लिए इस्तेमाल करते हैं और धरा जो है आ, उसका मतलब होता है प्लेस जमीन तो गोधरा एक्चुअली लैंड ऑफ काऊ इसका एक नाम है और इसका ये मतलब है तो गाय की ज़मीन तो उससे ये नाम पड़ा था तो अच्छा खासा पीसफुल शहर छोटा सा तो करीब इक्कीस बाईस सौ लोग अयोध्या से चलते हैं 26 फरवरी को 27 फरवरी को राइट टाइम ये ट्रेन करीब तीन बजे इसका पहुंचने का था आ, लेकिन ये साढ़े चार घंटा लेट पहुंचती है डेढ़ के आसपास ये ट्रेन दाहोद रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है जो गोधरा इंसिडेंट को लेकर अलग अलग चीजें हैं क्योंकि इसमें जितनी भी कमेटी बनी जो भी जांच कमेटी बनी जितने भी इसमें आयोग बने कायदे से देखें तो हर एक की अलग अलग उसमें से जो है वो रिपोर्ट है राय भी अलग अलग है तो एक कहानी की शुरुआत यहीं से होती है चूंकि ये डेढ़ घंटे पहले की बात है सत्ताईस फरवरी को करीब छ बजे ये ट्रेन दाहोद रेलवे स्टेशन पहुंचती है जो कि गोधरा से पहले था और कहते हैं कि इस जो पूरी ट्रेन में आम पैसेंजर भी बहुत सारे थे लेकिन ज्यादातर जो कार सेवक थे वो दो बोगी में थे दो डब्बों में एक एस सिक्स में और एक एस फाइव में कोच नंबर एस सिक्स एक फाइव जनरल कोच था तो दाहोद में कहते हैं कि जब ये ट्रेन रुकी सुबह करीब छह बजे तो उसमें एक चाय वाला जो मुस्लिम था वो उस बॉगी में चढ़ने की कोशिश करता है जिसमें ये सारे कार सेवक थे लेकिन उसको चढ़ने नहीं जाता इसके बाद कुछ लोगों से झगड़ा भी होता है उसका वो उतर आता है और कहते हैं कि फिर वो फ़ोन करता है क्योंकि अगला स्टेशन जो था वो गोदरा था वहाँ अपने लोगों को कैसे ऐसे कुछ लोगों ने बनवाशी किया झगड़ा हुआ है तो उनसे निपट लो ये एक थ्योरी है लेकिन पुख्ता तौर पे नहीं कह सकता कहते कि उसी के कहने पे बाद में उसके कुछ, कुछ लोग अपने लोगों को और लेकर पहुंचे और गोदरा पे फिर उन्होंने मारपीट की और पेट्रोल जो है बोगी पे डाला पत्थरबाजी की और उसमें ये लोग मारे गए लेकिन खैर मैं अभी छः बजे के बाद साढ़े छः साढ़े सात पे आता हूँ तो छः बजे ये दावत से ट्रेन चलती है साबरमती एक्सप्रेस सुबह साढ़े बजे के, के करीब गोदरा रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है जब ये रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है तो वहां पे काफी लोग पहले से मौजूद थे और उन सबको ये भी पता था कि कोच नंबर क्या है अब यह अलग अलग आयोग की जो राय है जो रिपोर्ट है निचोड़ है उसके हवाले से भी पूरी बात है तो भीड़ जो है वो एस फाइव जो कोच था खास तौर पर उसको अपना निशाना बनाती है और वो पत्थरबाजी शुरू कर देती है उस पत्थरबाजी की वजह से जो लोग ट्रेन के अंदर उस बोगी में एस फाइव में सवार थे वो उनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता क्योंकि वो बाहर की तरफ आए तो चोट लगेगी और इसी बीच में कुछ लोग कहते हैं कि पेट्रोल जो है उस बोगी पे डालते हैं और आग लगा देते हैं तो जो भी मुसाफिर थे कार सेवक थे वो बोगी के अंदर फंस जाते हैं और इसमें एक वर्जन ये भी है कि ये ट्रेन जैसे ही गोधरा से करीब थोड़े से स्टेशन से आगे थी तब यह हादसा हुआ उसका किसी ने जंजीर खींची और ट्रेन रुका लेकिन तब तक उसके बाद ये पेट्रोल डाला गया और उसके आग लग गई लोगों को बा, बाहर निकलने का मौका नहीं मिला एक वर्जन ये है एक जो उस वक्त रेल मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस की अगुवाई में कमेटी बनाई थी उस कमेटी को कहा गया था कि इस पूरे चुके ये रेलवे का भी मैटर था इंटरनल रेलवे की बोगी में आग लगी थी तो उनके अंदर भी आता था तो इसकी रिपोर्ट दें तो उस रिपोर्ट में इसको कोई प्री प्लान या साजिश के तहत यह हमला हुआ है उसमें मना किया गया था फिर एक जांच चली और उसमें बीच में यह बात आई कि यह शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रेन में आग लगी थी तो ये अलग अलग चीजें हो गई एक झगड़ा पहले चाय वाले को अंदर न जाने का फिर एक शॉर्ट सर्किट फिर एक गुस्से में पेट्रोल डालना और एक ये कि यह प्री प्लान साजिश तो प्री प्लान कैसे क्यों तो उसकी एक वजह उसका तार जोड़ा गया कि चूंकि ये कार से वक्त थे अयोध्या से लौट रहे थे राम जन्मभूमि मसले को लेकर गए थे और राम मंदिर के निर्माण को लेकर आंदोलन कर रहे थे तो अगर इन नो पर हमला या अटैक करते हैं तो इससे देश में जो सांप्रदायिक माहौल है वो बिगड़ेगा दंगे होंगे और इससे दुश्मनों को फायदा होगा तो एक आया कि इसके पीछे आईएसआई जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई उसकी साजिश है तो ये अलग अलग सारी थ्योरी थी खैर तो जब ये हादसा होता है सत्ताईस फरवरी को सुबह साढ़े सात बजे के करीब ट्रेन में आग लगा दी जाती है उसके बाद पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है और किसी तरह आग पर काबू पाया जाता है लेकिन आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि आग पर काबू पाने या उसमें से जो मुसाफिर हैं उनको निकालते निकालते भी टोटल फिफ्टी नाइन उनसठ कार सेवकों की मौत हो जाती है आग से जलकर अब उस वक्त तक जब ये हादसा हुआ इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये हादसा हुआ आग लगी और इन लोगों की मौत हुई तब तक ये बात पूरी तरह से किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या कौन लोग हैं जानबूझ की आग लगाई शॉर्ट सर्किट थी पेट्रोल से आग लगाई इसके पीछे आईएसआई की साजिश है तो ये चीजें जैसे तेजी से उड़ती हैं या फिर खबरें फैलती हैं उसमें उस दिन कई घंटे तक ये लोग इसी कन्फ्यूज़न में थे कि एक्चुअली हुआ क्या है ये साबरमती एक्सप्रेस के कोच नंबर एस फाइव में जो कुछ हुआ ये है क्या हादसा है साजिश है प्लानिंग है बदला है तो इसलिए अगले एक यहाँ पे ये, ये बात नोटिस करने की है कि इस हादसे के अगले कई घंटे तक चूँकि लोग खुद कन्फ्यूज़ थे और किसी को कुछ पता नहीं था और इस तरह का कोई र्यूमर फैला नहीं था तो तब तक कुछ हुआ नहीं था बिल्कुल सब कुछ शांत था और लोग यही मान के चल रहे थे कि अभी पता नहीं सच्चाई क्या है देखते हैं निकल कर आता है लेकिन जैसे जैसे शाम होती गई तो फिर अलग अलग तरीके से र्यूमर फैलना शुरू हो गया उसमें पहला ये था कि जो वीएचपी के कार सेवक उनको जानबूझ कर निशाना बनाया गया और निशाना बनाने वाले गोदरा के जो मुसलमान हैं उन लोगों ने बनाया अच्छा गोदरा में मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद भी है और पेट्रोल भी जानबूझ के डाला गया दूसरी तरफ आया कि नहीं ये शॉर्ट सर्किट है तो कुल मिला ये सारी चीज़ें एक साथ हवा में तैर रही थी बट शाम तक सब कुछ मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं था सब कुछ नॉर्मल था इसके बाद ये खबर धीरे धीरे फैलती है न्यूज़ चैनल के जरिए मीडिया के जरिए अहमदाबाद में भी खबर जाती है और शाम होते होते फिर उस वक्त गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी थे वो गोधरा भी पहुंचते हालात का जायजा लेने के लिए और उधर तब तक चुके ये वीएचपी के सारे कार सेवक थे वीएचपी ने ही वहां पे आयोजन किया था अयोध्या में तो वीएचपी के सारे लीडर एक्टिव हो जाते हैं रात तक उसके बाद जब ये अफवाहें फैलनी शुरू होती हैं जब इसको हिंदू मुस्लिम का पूरा रंग दे दिया गया था तो हालात बिगड़ने शुरू होते हैं और उसके बाद छिटपुट खबरें आने शुरू हो जाती हैं कि तनाव है गोदरा में तब तक कर्फ्यू लगा दिया जाता है लेकिन फिर भी तब तक सब कुछ हालात कंट्रोल में था हालात बिगड़ता कब है या बिगड़ते है वो खराब कब होता है जब इस हादसे में मारे गए उनसठ के उनसठ लोगों को आ, उनकी लाशों को उनके परिवार को नहीं सौंपा जाता बल्कि खुली गाड़ियों में ट्रक में और बाकी गाड़ियों में इन उनसठ की उनसठ जली हुई लाशों को गोधरा से अहमदाबाद ले जाया जाता है और अहमदाबाद में जब ये लाशें पहुंचती हैं खुली गाड़ियों में तो आज और वहाँ पे पहुंचने के बाद भी लाशें किसी के सुपुर्द नहीं की जाती हैं बल्कि वो वी के जो नेता थे वो लोग उन पर अपना कब्जा करके रखते हैं और इन लाशों के अहमदाबाद पहुंचते ही हालात अचानक बिगड़ जाता है लोगों की जो भावनाएं थी जो गुस्सा था वो अचानक फिर उबाल पे आ जाता है और उसके बाद देखते ही देखते ख़बरें आनी शुरू हो जाती हैं अलग अलग गुजरात के इलाकों से दंगे की तो जो इसमें बहुत सारी जांच कमीशन और रिपोर्ट थी उसमें ये भी है कि अगर गोधरा में जो लोग मारे गए थे उस दिन साबरमती ट्रेन में अगर उनकी लाशों को इस तरीके से अहमदाबाद न ले जाया जाता तो शायद गुजरात न जलता और गुजरात में इतने बड़े पैमाने पे दंगे ना होते लेकिन खैर हुआ उसके बाद अगले तीन दिन तक 28 की रात से ही शुरू हो गया था लेकिन मामला बिगड़ा जब एक तारीख को चूंकि ये फरवरी का महीना था तो फरवरी का महीना हमेशा अट्ठाईस का होता है तो एक तारीख को अट्ठाईस को ये शुरू हुआ और अगले तीन तारीख तक तीन को किसी तरह से काबू पाया गया था लेकिन तीन दिन तक गुजरात पूरी तरह से सुलगता रहा और इस गोधरा कांड की वजह से जो दंगे हुए उसमें करीब 1200 से ज्यादा लोग मारे गए और इसका असर लंबे टाइम तक रहा गुजरात की सड़कों पे जलती हुई गाड़ियाँ टायर हवा में काले धुएँ चीख पुकार मातम औरतों के साथ रेप जिंदा जलाना काटना मारना मतलब सब कुछ हुआ और उसने अचानक गुजरात की एक तस्वीर ही बदल कर रख दी इस दंगे ने और इसमें यह भी ऐसा नहीं है करीब जो 1200 लोग मारे गए लोकसभा में इस पे सवाल उठा था जो टोटल तो तो तादाद दी गई थी तो उसमें करीब दो हिंदुओं के नाम थे साढ़े सात या पौने आठ सौ के करीब मुसलमानों के नाम थे और बाकी कुछ अलग धर्मों के भी थे जो लोग मारे गए तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को की जब जांच की गई कि एक्चुअली था क्या तो पहले तो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई गई गुजरात सरकार ने बनाई उसने अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें गोधरा जो शुरुआती पहली रिपोर्ट आई उसमें यह था कि जो गोधरा कांड था वो एक साजिश का हिस्सा था और इस साजिश के पीछे आईएसआई का हाथ था इसके बाद गुजरात की ही सरकार पर एक एसआईटी की टीम गठित की गई और एसआईटी की विशेष अदालत में जब ये मामला गया और उन्होंने जांच की तो उसमें भी ये था कि यह साजिश है और कार सेवकों को जानबूझ कर निशाना बनाया गया फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर और नानावटी आयोग की एक रिपोर्ट आई जो नानावटी मेन असल में इसको आप दो चीजें हैं गोधरा और गुजरात ये चूंकि इतने सारे एक साथ चीजें हो गई कि अलग अलग जांच करने में बहुत सारी दुश्वारियां थी तो फिर कई बार जांच पे रोक लगाई गई फिर कोर्ट के दिशा निर्देश पर यह हुआ कि दंगे के मामलों की और गोधरा के मामलों की एक साथ जांच हो तो उसमें मेन जो नानावटी आयोग है जो गुजरात दंगों को लेकर पूरी कमीशन है आ, नानावती आयोग ने अपनी जांच की और जो नानावती आयोग की जांच रिपोर्ट है उसमें बाकायदा ये कहा गया कि ये प्री प्लान था गोधरा कांड एक मतलब पहले से तय था एक साजिश रची गई थी और ट्रेन को भीड़ ने पेट्रोल डालकर उसमें आग लगाई थी नानावटी कमीशन की रिपोर्ट है इसके बाद जो रेलवे मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव थे जब उन्होंने अपनी एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की अगुवाई में बनाई उन्होंने साजिश की बात से साफ इनकार किया उन्होंने कहा कि यह साजिश नहीं थी और फिर बीच में एक दो बार शॉर्ट सर्किट की भी बातें आईं। लेकिन कुल मिलाकर अगर गोधरा कांड पे किसी एक आयोग की बात आप करें या एक से ज्यादा जिसने एक ही तरह की रिपोर्ट दी है तो यहां पे अलग अलग जो भी दो तीन चार कमीशन है सबकी रिपोर्ट अलग अलग है और उसमें मेन चीज ये है कि आखिर में जब ये मामला आता है एस कोर्ट स्पेशल कोर्ट में गुजरा गुजरात के तो 11 मार्च 2011 को जो एस की एक विशेष अदालत थी आ, उसने इस मामले में एस की एक रिपोर्ट उसमें यह था कि साजिश और नानावटी आयोग की रिपोर्ट तो उसको आधार मानकर इस मामले में पूरे शुरुआत में जो है करीब 1500 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था जिसमें कुछ के नाम थे कुछ के नाम नहीं थे लेकिन धीरे-धीरे करके वो लिस्ट कम होती गई और आखिर में 1 मार्च 2011 को एसआईटी की विशेष अदालत ने इस पूरे मामले में 31 31 लोगों को दोषी ठहराया 1500 से शुरुआत हुई थी और 31 लोगों को दोषी माना गया जबकि तिरसठ लोग तो कि 1500 से आते आते 94 लास्ट में बचे थे 63 को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया अब इन 31 लोगों में से 11 लोगों को फांसी की सजा दी जबकि 20 लोगों को उम्र कैद की सजा दी ये एस की कोर्ट ने एक मार्च 2011 को अपना फैसला सुनाया था लेकिन बाद में फिर अहमदाबाद हाई कोर्ट में जब यह मामला गया तो अहमदाबाद हाई कोर्ट ने 2017 में इस एस की विशेष अदालत के फैसले को पलट दिया और जो 11 लोगों को फांसी की सजा दी थी उनकी सजा भी उम्र कैद में तब्दील कर दी तो ऑलरेडी जो बीस लोग थे उम्र कैद की उनकी तो बरकरार रखी बट ग्यारह के ग्यारह को भी फांसी की सजा को कैंसिल करके उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दी तो गोधरा कांड के लिए कुल इकतीस लोगों को सजा सुनाई गई और उन इकतीस लोगों में से इकतीस के इकतीस को उम्र कैद की सजा दी गई हालांकि इनका जो मेन आरोपी जिसको शुरू में पुलिस ने बनाया था जो मुख्य आरोपी गोधरा कांड का मेन मास्टरमाइंड उसको एसआईटी की अदालत ने बरी कर दिया उसको हाईकोर्ट ने बरी कर दिया सबूत ना होने की वजह से अब अगर इस जांच सरकार पुलिस इनसे हट के आप बात कीजिए और गोधरा घूम आइए चूंकि मैं गोधरा गया और गोधरा के आसपास भी मिला वहाँ से 100 किलोमीटर दूर वडोदरा भी है जहाँ का यूसुफ पठान और इरफान पठान क्रिकेटर हैं तो उधर जाने का मौका मिला तो वहाँ के आम हिंदू और मुसलमानों से अगर आप बात कीजिए तो उनका कहना है कि इस पूरे गोदरा कांड की जो सच्चाई है जो कोर्ट ने फैसला दिया चाहे एस की विशेष अदालत ने या हाई कोर्ट ने सच सामने नहीं आया उनका मानना है कि सच कुछ और है उनका यह भी मानना है कि इसमें गोदरा के आम जो लोकल लोग हैं वो इन्वॉल्व नहीं है ये साजिश बड़ी थी इसकी प्लानिंग कहीं और हुई कौन लोग हैं जाहिर सी है बिना प्रूफ बिना सबूत के आप नाम नहीं ले सकते लेकिन उनका यह मानना है कि दोनों पक्षों का हिंदुओं का भी और मुसलमानों का भी गोधरा और उसके आसपास के तमाम इलाकों का कि सच्चाई ये नहीं है जो पूरे देश के सामने है सच्चाई ये नहीं है जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है सच्चाई वो नहीं है जो नानावटी कमीशन के लालू प्रसाद यादव ने जो रेल मिनिस्टर रहते हुए जो कमेटी बनाई उसकी बल्कि इसकी सच्चाई कुछ और है लेकिन एक फैक्ट यह है कि इस एक गोधरा कांड ने मतलब वो बदनुमा दाग लगाया जिसका जख्म आज 16 साल के बाद भी ये देश महसूस करता है और उसकी वजह ये है कि इस एक ट्रेन में आग के बाद जो तीन दिन तक बहत्तर घंटों तक जिस तरीके से गुजरात जलता रहा सुलगता रहा जो दंगे हुए और जिस तरीके से लूट मार हुई आ, उसने हम न सिर्फ हमारे मतलब देश पर बल्कि जो हमारी पूरी एक डेमोक्रेसी है जो हमारी पूरी सर्वधर्म सद्भाव वाला एक जो एक सच्चाई है इन सब के ऊपर चोट लगी और उस एक दो जगह मैंने ये देखा भी और पढ़ा भी कि ये दंगे तो तीन दिन में रुक गए थे लेकिन जो उसकी टीस थी जो उसका दर्द था वो सालों लोग झेल रहे हैं आज भी झेल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग गुजरात छोड़कर चले गए बहुत सारे लोगों के अपने इस दुनिया से चले गए तो वो जब भी गोधरा या गुजरात के दंगे याद आते हैं तो ये जख्म हरा हो जाता है और फिर कई बार ऐसा भी होता है कि एक दूसरे से भरोसा भी जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है तो इस दंगे ने न सिर्फ लोगों को मारने का काम किया हालांकि कायदे से देखें तो इस दंगे में बारह तेरह सौ लोग मरे लेकिन इस दंगे ने गुजरात की बारह तेरह सौ साल पुरानी जो एकता की परंपरा थी उस पर कहीं ज्यादा चोट मारी और यही वजह है कि जब भी हिंदुस्तान के इतिहास में दंगों का जिक्र आता है तो गोदरा और गुजरात दंगे दोनों का जिक्र आता है लेकिन फिर सवाल यह कि अगर लोकल लोग जहां पे हुआ जिस जगह पे जिस जमीन पे हुआ वही लोग दोनों धर्मों के मानने को तैयार नहीं है कि सच ये है तो फिर असली सच क्या है उस सच से कब पर्दा हटेगा इस साजिश के पीछे के असली जिम्मेदार लोग कौन हैं ये कभी सामने आ पाएगा भी कि नहीं मुझे मालूम नहीं लेकिन ये सवाल इसलिए भी कर रहा हूँ कि जिसे अगर इस गोदरा कांड का मास्टर बताया जाता है और कोर्ट उसे बरी कर दे तो ये भी है कि फिर पूरी जाँच ही जो है वो शक के घेरे में आएगी क्योंकि आम मगर आपके साथ 1500 लोग हैं उसमें से 1400 बरी हो रहे हैं साढ़े चौदह बरी हो रहे हैं समझ में आता है लेकिन एक केस का एक मास्टरमाइंड जो पहले दिन से है और वो बरी हो जाता है तो फिर सवाल और शक ये दोनों न सिर्फ जांच एजेंसी के ऊपर घूमती है बल्कि फिर हमारे पूरे सिस्टम पर भी होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है तो ये थी पूरी कहानी गोधरा की हालांकि शुक्र ये है कि गोधरा अब इन 16 सालों में बदला है गोधरा में आज भी हिंदू मुसलमान रहते हैं बहुत प्यार से रहते हैं और उसमें बहुत सारी पॉजिटिव भी कहानी है बहुत सारे ऐसे जो गोधरा के मुसलमान मारे गए जिनके घर में बच्चे रह गए हिंदुओं ने उन्हें पाला पोसा उन्हें पढ़ाया लिखाया कुछ की तो ऐसी कहानी है स्कूल कॉलेज तक ले गए वो उनको उसी तरीके से कुछ ऐसे थे जो हिंदू भी वहां पे मारे गए उनके परिवार के लोगों को मुस्लिम ने गोद लिया और पढ़ाया लिखाया और उनकी नौकरी शादी सब कुछ तो ये भी एक चेहरा इससे ये होता है कि उम्मीद और ये भरोसा जिंदा रहता है कि चंद लोगों की वजह से देश का माहौल पूरी तरह से बर्बाद या खराब हो जाए ऐसा नहीं हो सकता जब तक अच्छे लोग हैं इस तरह की सोच रखते हैं उनकी जो साजिश है वो कभी पूरी तरह से कामयाब नहीं होगी तो ये थी आज की कहानी तो आज कहानी में इतना ही अब तक मच